जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हम पुनः जो है उपस्थित हैं आमने सामने और चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न के ऊपर। जैसे मैंने जो है कुंभ लग्न में पहले मारक कारक आदि की जो है तो चर्चा की थी, आज ग्रह स्थितियां क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, उनका क्या फल होगा, इस विषय में जो है तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कुंभ लग्न में गुरु धनेश और लाभेश है। इस दृष्टि से गुरु अकारक हो गया, किंतु गुरु यदि जो है बली हो तो यह जो है जातक को प्रबल राजयोग प्रदान करेगा, प्रबल धन धान्य से संपन्न करेगा, तथा गुरु की दृष्टि भी जिस भाव में पड़ेगी, वैसे भी कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में जो है अमृत होता है, अमृत बरसता है, तो गुरु जिस भाव में दृष्टि डालेगा उस भाव को जो है मूल्यवान बना देगा। जैसे मान लीजिए अगर गुरु जो है तीसरे भाव में दृष्टि डालता है तो इस जातक के जो है भाई धन धान्य से संपन्न होंगे। गुरु यदि छठे भाव में जो है दृष्टि डाले तो यह जातक इतना चतुर होगा, इतना बुद्धिमान होगा कि वे शत्रु से भी जो है तो धन लाभ कराए करेगा, धन लाभ प्रदान कर पाएगा। और यदि यह गुरु की दृष्टि लग्न में है तो ये इसे व्यक्ति को जो है ससुराल से पूर्ण धन धान्य का जो है तो लाभ होगा, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और यदि गुरु दूसरे भाव में हो, आय भाव में शुक्र हो, तो ये कंगाल के घर में जन्म लेकर के भी जो है व्यक्ति पैसे वाला होगा, अर्थात करोड़पति होगा। और यदि जो है कदाचित जो है इसमें शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इस भाव को जो है और मूल्यवान बना देगा, कैसी भी विपन्नता में उसका जन्म हो फिर भी जो है तो वह धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। सैकड़ों बुरे योग क्यों ना हो फिर भी यह व्यक्ति जो है तो लखपति होगा। नौमेश दसमेश का जो है एक योग अगर हो तो यह प्रबल राजयोग बनाता है। ये बात जो है सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। केंद्र त्रिकोण के जो है नेता, अगर आप केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे या इनका संबंध हो तो ये राजयोग प्रदान करते हैं, किंतु जो है यहां थोड़ी विपरीत स्थिति हो गई। शुक्र भाग्येश है, मंगल जो है कर्मेश है, और इनका संबंध कहीं भी हो वह शुभ नहीं रहेगा। बल्कि हां, विवाह के बाद जो है यह अन्य संबंध भी करा सकता है तथा लव मैरिज का योग कराएगा। नवम भाव में गुरु, दशम में शुक्र हो और यदि शनि की दृष्टि भी हो तब भी व्यक्ति जो है साधारण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी धन धान्य से जो है तो संपन्न होगा, अर्थात जो है लखपति होगा। लग्नेश की दृष्टि शुक्र पर हो तो यह योग कारक बन जाएगी। भाई लग्नेश शनि हुआ और यदि शुक्र को देखे, शुक्र जो है तो भाग्येश है और इस भाग्येश के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वह योग कारक बना देगी। इसी तरह से मंगल जो है भ्रातृ कारक है, लेकिन यदि यह मंगल तीसरे में हो तो इसके कई छोटे भाई होंगे, और यदि जो है मंगल धन भाव में हो जाए या आय भाव में हो जाए तो इसको जो है छोटे भाइयों का जो है अभाव होगा, इसके छोटे भाइयों का अभाव जो है इस वृत्ति को झेलना पड़ेगा। और यदि कमजोर मंगल हो तो छोटे भाई की आयु जो है कम होगी, छोटा भाई अल्पायु वाला होगा। बली मंगल होगा तो छोटा भाई दीर्घायु वाला होगा। शुक्र द्वादश भाव में हो तो श्रेष्ठ होता है, किंतु जो है इस लग्न वालों को शुक्र भाग्य हानि करेगा,
द्वादश में शुक्र को अच्छा माना गया है। क्यों? काल पुरुष के अंग विभाग के हिसाब से द्वादश में जो है शुक्र की उच्च राशि आती है, इसके हिसाब से जो है शुक्र द्वादश में जो है अच्छा होता है। किंतु यहां शुक्र इस जातक का जो है द्वादश में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भाग्येश है ना, और भाग्येश अगर त्रिक में बैठता है तो वह हानि करता, तो भाग्य की हानि करेगा। सूर्य शुक्र लग्न में हो तथा जो है उस समय पर राहु गुरु दशम में यदि हो, तो इन राहु गुरु दोनों की जो है दशा बहुत उत्तम होगी। दशा अगर आती है इनकी तो बहुत उत्तम होगी, विशेष करके जो है इसमें गुरु की दशा प्रबल राजयोग प्रद होगी, सभी प्रकार से धन धान आदि से जो है तो समृद्ध करेगी व्यक्ति को। बलि शुक्र की दशा जो है उत्तम वैभव, भौतिक सुख सुविधा तथा वाहन आदि का जो है सुख प्रदान करेगी। किंतु जो है यदि शुक्र कमजोर हो जाए, पापक्रांत हो जाए, अस्त हो जाए, तो यह कम लाभ कराएगा। किंतु इस स्थिति की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र का जो है कारकत्व तो खत्म हो जाएगा, शुक्र जो है कारक बना ही रहेगा, क्योंकि इस कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र जो है पूर्ण कारक है, प्रबल राजयोग प्रद है। बुध इस लग्न वालों के लिए जो है सामान्य फलप्रद है, और बुध की दशा उत्तरार्ध की अपेक्षा जो है पूर्वार्ध जो बुध का होगा वह ठीक होगा। सूर्य मंगल यदि अष्टम में हो तो यह दशा जो है अच्छी नहीं रहेगी, यह दुखप्रद रहेगी। और वैसे भी सूर्य सप्तमेश है तो मारक हो गया, यद्यपि जो है चंद्रमा और सूर्य को जो है मारकत्व तो दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो है भावजन कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता ही है। और मंगल अष्टमेश अष्टम से जो है अष्टम का स्वामी है, मंगल अष्टम से जो है अष्टम का स्वामी हो गया, इसलिए जो है यदि मंगल ये अष्टम में बैठे, यद्यपि एक राशि उसकी जो है कर्म भाव में पड़ी हुई है, मंगल कर्मेश भी है, किंतु जो है यदि अष्टम से अष्टम का स्वामी मंगल होकर के अष्टम में बैठता है तब भी जो है यह शुभ नहीं रहेगा, इनकी दशाएं शुभ नहीं रहेंगी। किंतु इनके मध्य में यदि जो है बुध की दशा आ जाए तो वह जो है निश्चित जो है योग प्रद होगी। मंगल की दशा को सूर्य की दशा को हम शुभ अशुभ की स्थिति में तोड़ सकते हैं, सामान्य रहेगी, लेकिन मंगल जो है मार्केश भी हो जाएगा, प्रबल मारक भी होगा। बुध यदि पंचम में गुरु के साथ में हो और शनि ग्यारहवें भाव में हो तो यह योग अच्छा नहीं है। संतान की दृष्टि से संतान का जो है इसमें सुखा भाव रहेगा, गुरु लग्न में हो शनि धन में हो तो गुरु की दशा जो है साधारण होगी, किंतु जो है शनि की दशा की अपेक्षा गुरु की दशा जो है अधिक शुभ रहेगी। शनि शुक्र यदि ग्यारहवें भाव में हो और उस समय पर जो है शुक्र की दशा हमें जो है आ जाए जीवन में, लाइफ में कभी भी शुक्र की दशा प्राप्त हो जाए तो शुक्र की दशा जो है अत्यंत सुख योग प्रदान करेगी। शुक्र की दशा में जो है हमें सब कुछ प्राप्त होगा, और तथा जो है मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव नित्य निरंतर जो है हमारे यहां होते रहे। तीसरे भाव में सूर्य बुध गुरु हो और उस समय जो है तो सूर्य की दशा आ जाए तो वह सूर्य की दशा सूर्य सप्तमेश होने के बावजूद भी
क्योंकि अग्नि तत्व है और 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की दशा आ जाए तो वह उस समय पर भाग्य को जो है प्रबलता दे देगी और प्रबल भाग्य का जो है तो उत्कर्ष होगा। हाँ, चंद्रमा जो है षष्ठेश है ना, रोगेश है, तो रोगेश का बलवान होना इसके लिए अच्छा नहीं है किसी भी लग्न के लिए। और यहां चंद्रमा अगर जो है पूर्ण हो, निर्मल हो, तो जो है अल्प आयु प्रदान करेगा, मतलब आयु को कम करेगा। किंतु यदि यह चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो जाए तो यह व्यक्ति जो है शत्रु से भी जो है तो धन प्रेम करेगा, इतना सदविचारी हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा, इसका कोई शत्रु नहीं होगा। शुक्र सप्तमस्थ हो, सप्तम में बैठा हो, तो ऐसे जातक की जो है पत्नी बड़ी साहसी होगी, लड़ाकू होगी, अपने वचनों में जो है तो दृढ़ होगी, दृढ़ व्रती होगी। और यदि यह सूर्य जो है नवम भाव में हो जाए तो यह सूर्य जो है पत्नी की अल्पायु करेगा। तीसरे भाव में सूर्य हो जाए तो ऐसा जातक जो है उच्च विचार वाला होगा। बुध यदि अष्टम में हो तो व्यक्ति को जो है दीर्घायु बनाएगा, अर्थात दीर्घायु बनाने में सहायक होगा। धन भावस्थ बुध व्यक्ति को जो है जन्म स्थान से दूर ले जाता है और संतान से जो है तो दुखी कर देता है। शनि अगर दशम में हो जाए तो यह जो है प्रबल राजयोग बनाता है, धन धान्य संपन्न करता है, व्यक्ति को लखपति करोड़पति बना देता है। लग्नस्थ सूर्य हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ा सकता है। किंतु जो है लग्नस्थ शनि मूल त्रिकोण राशि में यदि शनि हो तो राज राजेश्वर योग प्रदान करेगा। ऐसा जातक जो है धन धान्य सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से विभूषित होगा। गुरु यदि 3, 6, 12 भाव में हो तथा शुक्र एकादश दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और गुरु शुक्र का अन्य अन्य योग हो तो यह चतुर्मुख योग होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है चौमुखी विकास करने वाला होगा, सभी प्रकार से जो है तो इसको लोक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा और विजय तथा दीर्घायु प्राप्त होगी। और यदि शुक्र चतुर्थ में हो, 9 में चंद्रमा हो, अन्य ग्रह जो है लग्न में हो, 3रे हो, 11वें भाव में हो, तो यह योग भी जो है चतुर्मुख योग जैसे ही जो है फलप्रद होगा, सुंदर जो है प्रबल राज योग प्रदान करेगा। तो मित्रों आज हमने जो है कुंभ लग्न के ऊपर जो है चर्चा की है, ग्रह की क्या स्थितियां हैं इनके विषय में विश्लेषण किया है। अब लग्नों के परिचय में जो है हमारे पास मीन लग्न अवशिष्ट रह जाती है। मीन लग्न की यथासंभव जैसे भी समय मिलेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पश्चात जो है अन्य विषयों में नौकरी विवाह आदि के विषय में भी जो है तो चर्चा करेंगे। पदलग्न आरूढ़ लग्न अर्गला आदि के विषय में भी जो है चर्चा की जाएगी। बस अपेक्षा आप लोगों से यही है कि आप वीडियो देखते हैं, यदि आपको ये पसंद आए तो आप जो है तो देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो है मुझे एक आत्मबल मिलता रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।